आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी अभ्युदय भारतम कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भोपाल पहुंचे, जहां उन्होंने अपना विचार रखा। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि भारत अब इंटरनेशनल सोलर अलायंस का केंद्र बन गया है। पीएम मोदी ने सत्ता संभालने के बाद भारत के उदय का विजन रखा है। स्वच्छता अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, विचार बदलने का काम हुआ है। और सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि पिछले 9 सालों में बहुत कुछ बदल चुका है और तेजी से बदलाव हो रहा है। अपने संबोधन में उन्होंने लव जिहाद को लेकर भी बयान दिया, कहा कि बेटियों को ध्यान रखना चाहिए, बहुत से रावण घूम रहे हैं जो अपना भेष हुलिया नाम पहचान बदलकर घूम रहे हैं। बेटों से भी कहूंगा संभल कर रहें, ना जाने किस मोड़ पर सुपड़खा आपको मिल जाए। अधिक जानकारी के लिए सीधे भोपाल का रुख कर लेंगे। हमारे सहयोगी वासु चौरे हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव भोपाल से। वासु, हम देख रहे हैं देश प्रदेश में लव जिहाद के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और उस पर सुधांशु त्रिवेदी का ये बयान सावधान किया है हिंदू लड़कियों को और लड़कों को भी। निश्चित तौर पर सुमित, देखिए जिस तरह से मध्य प्रदेश समेत देश भर में लव जिहाद के मामलों को लेकर सियासत जारी है, उसके बीच जब सुधांशु त्रिवेदी जो भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, सांसद हैं, मध्य प्रदेश एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे तो उन्होंने अपने भाषण में इस बात का उल्लेख किया और बेटियों के साथ बेटों को भी सावधान किया, सतर्क किया। उन्होंने कहा कि आजकल बेटों के साथ भी इस तरीके के मामले सामने आने लगे हैं और इस पूरे मसले को लेकर उन्होंने व्यंग्यात्मक रूप से कहा कि रावण की तरह वेश बदलकर, पहचान बदलकर, हुलिया बदलकर इस तरीके के जो लोग हैं वो घूम रहे हैं। जैसे रावण ने सीता माता का हरण करने का काम किया था, साधु के वेश में वो आए थे, उसी तरह से जो लव जिहाद को अंजाम देने वाले जो लोग हैं वो भी उसी तरीके से अपनी हुलिया और पहचान बदलकर आते हैं और कब किस मोड़ पर रावण मिल जाए बेहद सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। और उन्होंने बेटों के लिए यानी कि युवाओं के लिए, लड़कों के लिए सूर्पणखा का उदाहरण देते हुए कहा कि कब कहीं किसी मोड़ पर सूर्पणखा मिल जाए और आप बाद में अपने आप को फंसा पाए फंसा हुआ महसूस करें तो इस तरीके की स्थितियों को लेकर जागरूक होना, संभल कर रहना और सतर्क रहना बहुत जरूरी है। उन्होंने ये भी सलाह दी कि कोई भी अगर इस तरीके की बात होती है या आपकी दिनचर्या में कोई चीज ऐसी होती है जिस जो जो कि एक आपत्तिजनक कही जा सकती है या फिर आपको उसमें किसी तरीके का कोई संदेह होता है कि लव जिहाद का मामला ये हो सकता है या अन्य कोई ऐसी परिस्थिति हो सकती है जो आपको नुकसान पहुंचाए तो उसके बारे में अपने माता पिता से और अपने गुरुजनों से जरूर डिस्कस करें। इस पूरे भाषण के दौरान वो कांग्रेस पर भी जमकर बरसे। जो स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन हुआ था उस दौरान इतिहास में किस तरीके से छेड़छाड़ की गई को लेकर भी सुधांशु त्रिवेदी ने कई आरोप जो हैं वो लगाए हैं और किस तरीके से बीजेपी का और बीजेपी के पहले जनसंघ का और संघ का योगदान रहा है देश को बनाने में, देश में बदलाव करने में और मोदी सरकार के और अटल सरकार के जो कार्यकाल में जो फ्लैगशिप योजनाएं शुरू हुई उनका बारे में भी उन्होंने उल्लेख किया और इन तमाम बातों को लेकर जमकर उन्होंने विपक्ष को निशाने पर भी लिया। जी सुमित वासु, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, आपका बहुत धन्यवाद।